हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सी इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर प्लस टू कॉमर्स क्लास यूनिट 9 9.2 कैपिटल स्ट्रक्चर हमने शुरू किया था, उसके काफी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज टॉपिक डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर तो पता है, कैपिटल लेनी है, मनी लेनी है। कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म सोर्स से मनी लेनी है। स्ट्रक्चर यानी विभाग, कौन कौन से विभाग, कौन कौन से उसमें ऑप्शन होते हैं, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डेट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये इन सब का जो एक रेशियो बनाते हैं किससे कितना लेना है, तब कुछ फैक्टर इन्हें प्रभावित करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर है वो हम डिस्कस करेंगे। 1 to 6 फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। 7 पॉइंट पर सीधा आते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ठीक है, जब कैपिटल स्ट्रक्चर का जो हम फैक्टर है, यानी कौन कौन से कैपिटल स्ट्रक्चर जब डिटरमाइन करते हैं, कौन कौन से फैक्टर से प्रभावित करते हैं, तो देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको पता है, इक्विटी कैपिटल शेयर कैपिटल पर जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इन पर डिविडेंड सर्टेन नहीं होता, अनिश्चित होता है। प्रॉफिट जितना होगा उतना ज्यादा इनको दिया जाएगा, मेनली रूप से इसका यही रीजन है। ऐसे फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी हमने पहले पीछे पढ़ा था फाइनेंसिंग डिसीजन में, अगर आप कुछ खर्चा नहीं चाह रहे, प्रिंटिंग खर्च, एडवर्टाइजिंग है, अंडरराइटर खर्चा, कोई खर्चा नहीं चाह रहे, तो आप रिटेन अर्निंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लॉन्ग टर्म सोर्स। ऐसे रिस्क कंसिडरेशन भी हमने पढ़ा था, रिस्क वही सारे पॉइंट है, बस थोड़ी लेंथी गिवन है। यहाँ पर रिस्क अगर नहीं लेना चाह रहे, तो सबसे ज्यादा रिस्क हमारे लिए डेप होते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं। ऐसी फ्लेक्सीबिलिटी मतलब किसी की मनी रिटर्न कर देना, तो कौन है जिसकी मनी हम इजिली रिटर्न कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें डेप चूज करना चाहिए। तो ऐसे ही आज हम डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, थोड़ा मैं बता चुकी, अब डिटेल देखते हैं। ठीक है, मेनली बात यही थी जो मैंने अभी बताई। चलिए देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर इज अफेक्टेड बाय यूज ऑफ डेप कैपिटल। इसके अलावा दूसरी थिंग, इक्विटी कैपिटल पर कॉस्ट तो हम ज्यादा देते हैं, और ये कॉस्ट अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो ये कॉस्ट हम देते हैं ये किससे प्रभावित होती है, डेट कैपिटल से। किससे प्रभावित होती है, डेट कैपिटल से। कैसे डेट कैपिटल से, वो आपने क्वेश्चन किया होगा, इलस्ट्रेशन उससे समझ आया। जब इक्विटी के साथ डेट लिया, तो इक्विटी शेयर होल्डर की आय बढ़ गई, यानी जो कॉस्ट है उनको जो रिटर्न दे रहे हैं, वो कौन प्रभावित कर देता है, डेट कैपिटल। लेकिन कब, अगर डेट पर इंटरेस्ट कम दे रहा है और आरओआई ज्यादा आ रहा है। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल अफेक्टेड होती है यूज ऑफ डेट कैपिटल, इन डेट कैपिटल कितना यूज कर रहे हैं। इफ डेट कैपिटल यूटिलाइज मोर, अगर इसको ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, इट विल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अगर इसे मोर यूज करते हैं, तो ये कॉस्ट इंक्रीज कर देता है किसकी, इक्विटी कैपिटल की। क्यों, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप यूज करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, टैक्स में एडवांटेज मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर की आय हो जाएगी इंक्रीज। लेकिन कब, जब आरओआई ज्यादा है, इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, और सिचुएशन यही होती है, इंटरेस्ट कम देते हैं, आरओआई हम एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा ही आएगा, तब इक्विटी शेयर होल्डर की आय इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद द सिंपल रीजन फॉर दिस इज दैट ग्रेटर यूज डेप कैपिटल। ठीक है, रीजन क्या है, जितना ज्यादा डेप कैपिटल यूज करते हैं, इंक्रीज द रिस्क ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो भाई अब देखिए, वही बात हो गई जो मैंने अभी बताया था कि बिजनेस शुरू करेंगे, जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखिए सर्कल, जितना ज्यादा डेप यूज करते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कॉस्ट में ज्यादा मिलती है, यानी उनको रिटर्न ज्यादा आती है। जब रिटर्न ज्यादा आती है, तो रिस्क भी तो होगा, तो इनको अगर रिटर्न ज्यादा आ रही है, तो इनके लिए रिस्क भी उत्पन्न हो जाता है। रिस्क क्यों उत्पन्न हो जाता है, जितने ज्यादा डेप्ट होंगे, इनको इंटरेस्ट पहले देना पड़ेगा, और समापन के समय भी डेप होल्डर ही सबसे पहले ही रिटर्न ले जाएंगे। इसके अलावा केस भी कर सकते हैं, इनके लिए खतरा भी साबित होता है, जहां प्रॉफिटेबल साबित होते हैं। देखिए, सिंपल रीजन ग्रेटर यूज डेप कैपिटल, जितनी ज्यादा यूज करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए रिस्क उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर यूज ऑफ डेप कैपिटल कैन बी मेड ओनली टू लिमिटेड लेवल। इसलिए जो डेप कैपिटल है, केवल लिमिटेड लेवल पर ही यूज करना चाहिए। जितना ज्यादा यूज करोगे, इक्विटी शेयर होल्डर की कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन रिस्क भी तो इंक्रीज होगा। कॉस्ट उनको रिटर्न ज्यादा मिल रहा, तो रिस्क भी ज्यादा है,
जितने ज्यादा डेप आएंगे उतनी ज्यादा सिक्योरिटीज भी मांगेंगे, उतना ज्यादा इनका इनको रिटर्न भी सबसे पहले करना पड़ेगा, इनकी मनी भी सबसे पहले रिटर्न, तो इनके लिए रिस्क उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसलिए डेप जो है लिमिटेड यूज करना चाहिए। इफ इवन आफ्टर दिस लेवल डेप कैपिटल यूज फर्दर, फिर भी इसके बाद डेप कैपिटल यूज की जाती है, कॉस्ट इक्विटी शेयर स्टार्ट इंक्रीजिंग, फिर भी डेप ज्यादा यूज किए जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर की आय तो इंक्रीज होगी। इट एडवर्सली अफेक्ट दी मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर, और इसे मार्केट वैल्यू भी प्रभावित होंगे। ज्यादा डेप लेना भी अच्छा नहीं है, ज्यादा डेप लेने के कारण हम संस्था के पास जब ही ले सकते हैं जब ज्यादा उसके पास फिक्स असेट्स हो, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित कर देती है संस्था की स्थिति को। दिस इज नॉट ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसे लिमिटेड ही लेने चाहिए डेप। अफेक्ट शुड बी मेड टू अवॉइड इट, इसलिए अवॉइड करना चाहिए, मोर डेप नहीं, लिमिटेड हो जिससे बस हमें प्रॉफिट मिले इतना, ना कि ज्यादा रिस्क उत्पन्न हो जाए। इसके बाद आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट वह एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर किए जाते हैं जब हम सिक्योरिटी जारी करते हैं। इसमें क्या क्या है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिबेंचर जब जारी करते हैं, ठीक है, तो खर्चा आता है। कौन कौन से खर्चे, जैसे अंडरराइटर है, ठीक है, ब्रोकरेज है, स्टेशनरी है, बहुत से खर्चे हैं, प्रिंटिंग है। कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेप कैपिटल लेस देन शेयर कैपिटल, ठीक है, और कॉस्ट जो है हमें पता ही है डेप पर कॉस्ट क्या आती है, कम आती है, किससे, इक्विटी से। इक्विटी ज्यादा ले जाते हैं मनी और डेप कम ले जाते हैं, तो इस स्थिति में वैसे तो फ्लोटेशन कॉस्ट हमें पीछे पड़ा वो भी लिख सकते हो, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन फिर डेप ही है। द कॉस्ट ऑफ इशूइंग डेप कैपिटल लेस शेयर कैपिटल इट अट्रैक्ट कंपनी टुवर्ड डेप, तो यहाँ लेसन डेप का है, तो आप फ्लोटेशन भी लिखिए, सॉरी आप रिटेन अर्निंग भी लिखिए। इसके अलावा उसके बाद अगर हम चूज करना चाहे तो किसको चूज करेंगे, डेप, क्योंकि डेप पर रिटर्न कम देना है क्योंकि ऑलरेडी बाकी खर्चे ज्यादा हो चुकी है, प्रिंटिंग भी खर्चे, स्टेशनरी, ठीक है। अब आता है रिस्क कंसिडरेशन, क्या है रिस्क, यानी वही कौन है, रिस्क तो एक ही है बेटा, फाइनेंशियल रिस्क, केवल डेप। देखिए रिस्क कंसिडरेशन टू टाइप के रिस्क होते हैं बिजनेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस रिस्क, बिजनेस रिस्क वही जो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आपने पढ़ा था वही, उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इस रिफर टू रिस्क इन एबिलिटी टू डिस्चार्ज परमानेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका अभिप्राय जब आप पेमेंट नहीं कर पाते, किसकी पेमेंट, रेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप सैलरी नहीं दे पा रहे, तो आपके लिए बर्डन उत्पन्न हो जाएगा, वो कहलाया जाता है ऑपरेटिंग रिस्क, ठीक है। ये तो ऑपरेटिंग रिस्क, और दूसरा तो आप पढ़ते ही आए हो, एक आता है फाइनेंशियल रिस्क, जब आप डेप्ट का इंटरेस्ट नहीं दे पाते तो वो कहलाया जाता है फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। अगर द टोटल रिस्क बिजनेस डिपेंड ऑन बोथ दिस टाइप ऑफ रिस्क, कंपनी का रिस्क दोनों ही प्रकार के रिस्क होते हैं। इफ ऑपरेटिंग रिस्क बिजनेस इज लेस, वही पॉइंट है जो पीछे पड़ा था, अगर ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है तो हमें डेप को अवॉइड करना चाहिए, अगर ये रिस्क कम है तो डेप आप ले सकते हो, वही पॉइंट है, बस दूसरे तरीके से यहाँ बताया गया। मोर डेप यूज कर सकते हो, इसके अलावा रिस्क अगर हाई है तो फिर आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग रिस्क आप जो है डेप कम यूज करें, ऑपरेटिंग रिस्क कम है तो इसको ज्यादा यूज कर सकते हो डेप को। अब आता है फ्लेक्सीबिलिटी क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फेयरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल मतलब जब हम चाहे तो रिटर्न कर सके, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इफ नीड बी, अगर जरूरत हो, अमाउंट कैपिटल इन बिजनेस कुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इजिली, इसका अभिप्राय है जब हम चाहे तो अमाउंट इंक्रीज भी कर सके और क्या कर सके, डिक्रीज भी कर सके, इंक्रीज मतलब मनी ले सके, डिक्रीज यानी मनी दे सके, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो देखिए इफ नीड बी अमाउंट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ डेप कैपिटल प्रेफर शेयर कैपिटल। अब अगर डिक्रीज करनी हो कैपिटल, ये केवल एक ही स्थिति में शामिल है, या तो आपने डेप लिए हैं, डेप लिए हैं, ठीक है, डिवेंचर लिए हैं, या आपने क्या लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर, तो दोनों का पैसा आप रिटर्न कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर लाइफ टाइम के लिए आपके बन जाते हैं, आपके साथ जुड़े रहते हैं, तो उनका मनी आप रिटर्न नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी की जब इच्छा हो तो मनी ले लें, और अगर हमें जरूरत नहीं हो तो मनी डिक्रीज कर दिए, मनी किसकी रिटर्न कर सकते हैं, डेप और प्रेफरेंस की, ठीक है। तो जैसे यहां लिखा है इफ एट एनी गिवन टाइम कंपनी हैज मोर कैपिटल देन नेसेसरी, अगर वो देखती है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आ गया है पहले से, तो वो क्या कर सकती है, कैपिटल इनको रीपे कर सकती है, डेप और प्रेफरेंस का उसको पेमेंट दे सकती है, और सरदर्दी खत्म हो जाएगी उसके, क्योंकि उसके पास काफी अमाउंट है, ठीक है,
ऑन द अदर हैंड रिपेमेंट इक्विटी कैपिटल, इसके अलावा जो इक्विटी का जो पेमेंट है वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो लंबे से नॉट पॉसिबल, इक्विटी पर पेमेंट नहीं कर सकते रिपेमेंट जब तक वो नहीं चाहे, क्योंकि उस पर हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं। अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बेस से देखें तो डेट कैपिटल प्रेफरेंस शेयर सबसे बेस्ट मान जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हो कि कभी भी मनी इंक्रीज कर ली डिक्रीज, तो इसके लिए आपको क्या चूज करना चाहिए, डेट और प्रेफरेंस, क्या चूज करना चाहिए, डेट और प्रेफरेंस। रिस्क है, ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है तो आपको डेट चूज नहीं करना चाहिए, ऑपरेटिंग रिस्क कम है डेट चूज कर लीजिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, वैसे तो रिटेन अर्निंग यूज करनी चाहिए, इसके बाद अगर यूज करें तो डेप चूज करना चाहिए क्योंकि इस पर कॉस्ट कम। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ठीक है ये मैं बता ही चुकी हूँ। अब अगला देखते हैं कंट्रोल, ठीक है कंट्रोल देखिए क्या है। कंट्रोल में आप पढ़ चुके हैं फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या है कंट्रोल, देखिए अकॉर्डिंग टू फैक्टर टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल स्ट्रक्चर जब प्रिपेयर करते हैं इट शुड बी, निश्चित कर लेना चाहिए दैट कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओवर द अफेयर ऑफ कंपनी इज नॉट एडवर्सली अफेक्टेड। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो प्रभावित नहीं हो। इफ फंड रेज, अगर फंड इक्विटी से ही बार बार लिया जाता है तो इक्विटी शेयर होल्डर भर जाएंगे पहले से ज्यादा, ठीक है तो किसको प्रभावित करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। अगर पैसा केवल इक्विटी से ही लिया जाएगा और इक्विटी लिए जा रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे, उन पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है उनके और साथ, जैसे आपकी क्लास में बीच इवेंट जो मैं और उन पर एडजस्ट कर जा रही हूँ तो आप प्रभावित होंगे, वही ज्यादा ज्यादा इक्विटी लोगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रभावित होंगे, वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। फिर इट फंड आर रेज इक्विटी देन नंबर ऑफ कंपनी शेयर इंक्रीज डायरेक्ट अफेक्ट कंट्रोल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, तो जितने ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ेंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्रभावित होंगे, उनका कंट्रोल प्रभावित हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहे नाउ द नंबर ऑफ ओनर, अब नंबर ऑफ ओनर इंक्रीज हो जाएंगे, जितने ज्यादा इक्विटी नंबर ऑफ ओनर क्या हो जाएंगे इंक्रीज, और ये सिचुएशन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। जितने ज्यादा इक्विटी आएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का कंट्रोल छूट कर इनके साथ ये भी मिल जाएंगे और एग्जिस्टिंग वाले ये जो है उनको ये अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों वैन फंड आर रेज थ्रू डैप, इसके अलावा अगर डैप कैपिटल से लेते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑन कंट्रोल, तो कंट्रोल कोई प्रभावित नहीं होता क्योंकि डिबेंचर होल्डर को कोई ओनरशिप नहीं मिलती, इसलिए कंट्रोल के बेस से आपको डैप चूज करना चाहिए, इक्विटी ज्यादा नहीं लेने चाहिए क्योंकि ज्यादा लोगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या करेंगे प्रभावित करेंगे, उनका कंट्रोल प्रभावित हो जाएगा। इसके बाद आता है कंट्रोल के बाद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, कुछ ढांचा बनाए, जैसे बैंकिंग कंपनी जब फंड रेज करती है इक्विटी शेयर होल्डर से अलोन नॉट एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, बैंकिंग कैपिटल केवल शेयर जारी करके ही फंड ले सकती है, ठीक है इसके अलावा और कोई नहीं सिक्योरिटी कर सकती, इट इज कंपल्सरी फॉर, इसके अलावा अदर जो कंपनी है उसे मेंटेन करना होता है डेप इक्विटी, यानी इक्विटी के साथ डेप को मेंटेन करना होता है, इक्विटी के साथ जब डेप लेती है तो उसे कुछ रेशियो फॉलो करना होता है, बैंकिंग कंपनी केवल शेयर जारी करती है उसी से ले सकती है, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट ने बनाया है। इसके अलावा जो अदर कंपनी है डेप इक्विटी को रेशियो शो करती है, जैसे आइडल रेशियो होता है आप अकाउंट में पढ़ते हैं ना 2:1 होता है, 4:1 है, 6:1, ये डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिटरमाइंड है, अगर इक्विटी डेप लेनी है तो इसी रेशियो में आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है जैसे 10,000 है, ठीक है मान लीजिए 9,000 है, ठीक है तो 90,000 है तो 2:1 ये इक्विटी का है ये भूल गए, तो इक्विटी कितने लिए जाएंगे देखो 2:1 ऐसे निकालते हैं 2:3 यानी 60,000 तो इक्विटी से लिए जाएंगे, बाकी कौन सा बचा 30,000 किससे लिए जाएंगे डेप से लिए जाएंगे, 60 तो इक्विटी से और 30,000 डेप से, ये रेशियो बनेगा 60 इक्विटी से बाकी डेप से लिए जाएंगे, ये रेशियो डिटरमाइन किया जब क्या है गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए, ये कोई रेशियो यूज कर सकती है। द पब्लिक इश्यू शेयर डिबेंचर हैव टू मेड अंडर, और जो भी शेयर जारी किए जाते हैं वो सेबी के गाइडलाइंस में, ये डिस्कस हम आगे करेंगे सेबी का टॉपिक। अब आते हैं स्टॉक मार्केट कंडीशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन भी हम पढ़ चुके, दो काल होते हैं तेजी काल और मंदी काल। देखिए स्टॉक मार्केट कंडीशन का अभिप्राय अपवर्ड या डाउनवर्ड कंडीशन से,
दोनों सिचुएशन बोथ दीज कंडीशन हैव देयर इन्फ्लुएंस ऑन सिलेक्शन सोर्स, दोनों ही कौन सा सोर्स सिलेक्ट करे, किसको प्रभावित करती है। जैसे मैंने बताया था, जब तेजी काल है लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, मंदी काल है तो लोग गैप लेना पसंद करते हैं। वही टॉपिक है यहाँ। जैसे देखिए, व्हेन मार्केट इज जब बहुत ही कम है, मंदी काल है, इन्वेस्टर मोस्टली अफ्रेड टू इन्वेस्टिंग, तो शेयर में कैपिटल में देना पसंद नहीं करते क्योंकि हाई रिस्क है, मान लीजिए लॉस है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में कैपिटल मार्केट काफी चेयरफुल है, काफी अच्छा है, तो शेयर कैपिटल में वो इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हें अच्छा, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उन्हें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देख लेना चाहिए, वही टॉपिक है जो हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में करा। लास्ट, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी हमें देख लेना चाहिए, अदर कंपनी क्या कैपिटल स्ट्रक्चर अपना रही है। जैसे देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस बाय इंडस्ट्री टू विच कंपनी इज रिलेटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होता है जो अदर कंपनी यूज कर रही है उससे भी। ऑल कंपनी रिलेटेड टू गिवन इंडस्ट्री प्रोड्यूस ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है वो सिमिलर ही प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए शूज है तो सब ऑलमोस्ट शूज ही बना रहे हैं, ठीक है। देयर कॉस्ट प्रोडक्शन आर सिमिलर, तो मोस्टली रूप से उनकी कॉस्ट भी, जैसे सिमिलर इंडस्ट्री है जो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, सिमिलर क्या बना रही है, इंडस्ट्री प्रोडक्ट सिमिलर, जैसे कोक है, पेप्सी, इनका प्राइस भी सेम है, आप देख रहा होगा, तो सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है, तो इनकी जो कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट क्या आती है, सिमिलर आती है, ठीक है। इट दे डिपेंड ऑन आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी, मोस्टली ये जो टेक्नोलॉजी भी यूज करते हैं वो भी क्या होती है, आइडेंटिकल, जैसे कोक पेप्सी ये बनती है तो बेटा वो सब किस तरीके से बनाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, ठीक है। दे मशीनरी बनी है तो ऑलमोस्ट, कंप्यूटर बन रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, टेक्नोलॉजी लैपटॉप बन रहा है टेक्नोलॉजी मोस्टली सिमिलर ही होती है बनाने की, मोस्टली 100 नहीं मोस्टली, दे डिपेंड ऑन आइडेंटिकल टेक्नोलॉजी और सिमिलर, उनका मोस्टली प्रॉफिटेबल भी सिमिलर ही होता है, पैटर्न ऑफ देयर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर, इसलिए उनका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर। तो जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज करते हैं तो हमें देख लेना चाहिए हमारी जैसी अदर इंडस्ट्री है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना चाहिए, ठीक है। इफ देयर डिफरेंट, जैसे आपने देखा होगा अब आपकी फीस है प्लस टू में तो ऑलमोस्ट सभी स्कूलों की इसी से थोड़ी अब होगी या अप्रोक्स इतनी होगी या थोड़ी सी कम होगी, इतना ही होता है, ये होता है सिमिलर, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन है उनका सिमिलर प्रॉफिट होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर उनकी कॉस्ट है, टेक्नोलॉजी भी उनकी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट देर आर डिफरेंट डेप इक्विटी रेशियो प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्री, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट डेप इक्विटी रेशियो जो है यूज किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। एट द सेम टाइम जब आप फंड लेते हैं तो ध्यान लेना चाहिए कि आप जैसी इंडस्ट्री का क्या डेप इक्विटी चल रहा है, बाकी आप जैसी सिमिलर इंडस्ट्री है वो क्या डेप इक्विटी ले रहे हैं तो उससे थोड़ा देख लेना चाहिए, यहाँ यही बोला है। फिर बता देती हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, यानी जब कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कितना इक्विटी से प्रेफरेंस से ये जब डिटरमाइन करते हैं तो ये देख लेना चाहिए कि बाकी कंपनियों का भी स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि बाकी कंपनी का भी ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजी सेम होगी, कॉस्ट सेम आएगी, प्रोडक्ट भी उनका सेम ही है सिमिलर, तो देख लेना चाहिए वो क्या स्ट्रक्चर अपना रहे हैं, तो सुटेबल लगे तो हमें भी वही स्ट्रक्चर अपनाना चाहिए। आई होप टॉपिक समझ आया होगा, ओके।